हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और सीओसी के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं रश वर्सेस इंजीनियर बेसिस के बारे में, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं रश बेसिस वर्सेस इंजीनियर बेसिस के बारे में। तो दोस्तों, रश बेस क्या होते हैं अधिकतर को पता है गाइस। जिनका डिफेंस लो लेवल होता है वो केवल टाउन हॉल को अपडेट करते जाते हैं, वो टाउन हॉल 11 कर लेते हैं एंड डिफेंस उनका टाउन हॉल 8 के बराबर का भी नहीं होता एंड ट्रुप भी टाउन हॉल 8 के बराबर के नहीं होते। वो होते हैं गाइस रश बेस जो ना तो ट्रुप मैक्स करते हैं ना डिफेंस मैक्स करते हैं, वो केवल टाउन हॉल को अपडेट करते जाते हैं एंड जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा टाउन हॉल अपग्रेड करके वो TH-11 कर लेते हैं अपना। तो वो तो सभी को पता है गाइस रश बेस क्या होता है, उसके बारे में ज्यादा बताना मेरे को लगता नहीं है सही। एंड चलिए बात करते हैं मेन इंजीनियर बेसिस के बारे में। तो दोस्तों, इंजीनियर बेसिस भी काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक इंजीनियर बेस अभी आपके सामने ओपन है गाइस, आप देख सकते हो उसका टाउन हॉल 11 है बट गाइस डिफेंस भी आप देख सकते हो, एयर डिफेंस भी काफी अच्छे अच्छे लेवल का है गाइस एंड रिटर्न टेप ने यहाँ पर मैक्स करके रखे गए एंड बस आर्चर टावर और यहाँ पर विजार्ड टावर थोड़े लो लेवल है बट गाइस यहाँ पर ये इंजीनियर बेस है एंड यहाँ पर ग्रैंड वार्डन आप देख सकते हो लेवल 10 का हो चुका है एंड इसमें इंजीनियर बेस है। इसमें आप देख सकते हो मेन फोकस करोगे तो ना तो इसमें इन्फर्नो टावर है ना ही इसमें ईगल आर्टर ले लिए। तो गाइस इसका वेट हो जाता है बेस का काफी कम एंड गाइस इसके में अगर आपको ट्रुप के बारे में बात करूँ तो गाइस प्रोफाइल आप देख सकते हो यहाँ पर काफी चीजें मैक्स करके रखी गई है। होग राइडर, वेलकरी, विच, लावा हाउंड, हीलर, बोलर और यहाँ पर बैलून भी मैक्स है। जाइंट भी काफी अच्छे लेवल के आप देख सकते हो, माइनर लेवल 4, बेबी ड्रैगन लेवल 4, ड्रैगन लेवल 5 गाइस काफी ज्यादा ये मैक्स आउट बेस है टाउन हॉल 11 के हिसाब से। तो गाइस इसमें केवल ट्रुप अपडेट पे प्रायोरिटी दी जाती है, ट्रुप्स को अपडेट किया जाता है, मैक्स किया जाता है एंड यहाँ पर आर्मी कैपेसिटी आप देखोगे तो वो भी मैक्स है, वो भी बिल्कुल 260 की है। तो चलिए बात करते हैं वॉर वेट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी मैं नंबर 2 पर हूँ एंड TH-11 हूँ गाइस, यानी यहाँ पर नंबर 2 पे मेरे सामने कंसिडर किया गया है टाउन हॉल 10 का बेस। तो गाइस इसको टाउन हॉल 10 को मैं इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ 100% बिकॉज मेरा इंजीनियर बेस है 260 की आर्मी कैपेसिटी, स्पेल मैक्स है मेरी, तो गाइस इजीली इसमें मैं अपग्रेड कर पाऊंगा। तो एक टैंक के इंजीनियर बेस तो ये होता है जिसमें केवल बड़े जैसे टाउन हॉल 10 और 11 के डिफेंसिस नहीं लगाए जाते, जैसे इन्फर्नो टावर हुआ एंड ईगल आर्टिलरी हुई, तो इस टाइप में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है बेस में ताकि हर कोई आपके बेस को 100% ना कर पाए। एंड गाइस एक अलग तरीके के बेस होते हैं, मैं आपको दिखाते हूं इसी लाइन में। एक और हमारा इंजीनियर बेस है तो डेडली वॉरियर के नाम से गाइस आप देख सकते हो, ये TH-11 है गाइस, TH-11 का गाइस ये रश बेस नहीं है, ये है इंजीनियर बेस गाइस। आप इसमें देख सकते हो केवल एक लेवल 1 की यहाँ पर कैनन आपको दिखेगी एंड मे बी यहाँ पर आप देख सकते हो हिडन टेरला को मैक्स किया गया है, यहाँ पर बॉम्ब्स को काफी अच्छा अपडेट किया गया है एंड आर्चर क्वीन, बार्बेलियन किंग, ग्रैंड वार्डन तीनों इसमें अनलॉक हुए हैं। आर्मी कैपेसिटी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 225 की हो चुकी है गाइस एंड गाइस अभी इसकी प्रोफाइल की तरफ मैं बात करता हूँ गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल 3 का लावा हाउंड है एंड 6 का बैलून है, तो गाइस इसमें मेन लावा लून अटैक चलता है गाइस, तो लावा लून अटैक ये बेस काफी अच्छा करता है गाइस। तो अभी मैं आपका इसको वॉर वेट दिखाता हूँ गाइस, ये वॉर में कहाँ पर आ रहा है बेस आप देख सकते हो गाइस नंबर 21 पर। गाइस अब नंबर 21 में अपोनेंट का बेस मैं आपको दिखाऊंगा, तो गाइस आप देख सकते हो वॉर वेट में TH-8 कंसिडर किया गया है सुपर सेल के द्वारा। तो गाइस अब लेवल 3 के लावा हाउंड के साथ ये बेस कितने देर तक टिक पाएगा अब आप देखते ही आपको पता पड़ गया होगा। मतलब गाइस यहाँ पर TH-8 कुछ भी नहीं कर सकता गाइस, कुछ भी नहीं कर सकता, ये जाकर ऊपर TH-9-10 को 100% करने वाला बेस है। तो इस तरह के इंजीनियर बेसिस काफी ज्यादा वॉर में आपकी हेल्प करते हैं वॉर विनिंग कराने में बट सुपर सेल अभी तक इंजीनियर बेसिस को फिक्स नहीं कर पाई है। वो कह रही है करेगी इंजीनियर बेसिस के हम बट उनसे फिक्स होता नहीं है क्योंकि ये ऐसी चीज है गाइस, इसको मेरे हिसाब से सुपर सेल फिक्स नहीं कर सकती गाइस। तो इंजीनियर बेसिस यहाँ पर आप देख सकते हो वॉर में और भी है गाइस, TH-11 का द विलेजियर्स के नाम से है, TH-10 का ड्रैगन के नाम से। तो इस तरह से वॉर विनिंग काफी ज्यादा सही हो जाती है गाइस एंड अभी तो ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, मेरा नहीं है गाइस, ये आप जानते हो कि जाने माने अस्थी पेपर बोर्ड गेमिंग का ही अकाउंट है। एंड गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ इस वाली पिछली वाली वॉर में ये वाला बेस नंबर 3 पर कंसिडर किया गया था, आप गाइस इसका देख रहे हो नंबर 2 को 100 कर दिया, नंबर 1 पे 84% कर दिया एंड दैट डेडली वॉरियर की जो मैं बात कर रहा था गाइस वो अभी मैं देखता हूँ वो वॉर में किस जगह पर आ रहा है, नंबर 24 पर आ रहा है गाइस। तो इसमें से अटैक नहीं कर रहे बिकॉज यार ये वॉर थोड़ी बहुत वो हार गए एंड मैं आपको एक अमन वाला अटैक अभी मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो नंबर 2 वाला मैं आपको अटैक दिखाता हूँ जो नंबर 3 वाले ने करा है एंड गाइस देख सकते हो टोटली TH
टेन या मैक्स है तो फास्ट फॉरवर्ड में ही अटैक दिखाऊंगा। यहाँ से दो वॉक करी उन्होंने एंड काफी सही अटैक गया इनका एंड काफी इजीली इन्होंने 100% कर दिया इस बेस को। तो अगर इंजीनियर बेसेस आप भी मनाओगे तो आपको वॉर में काफी ज्यादा फायदा करने वाले। इंजीनियर बेस में आपको डिफेंस अपडेट नहीं करने होते, केवल और केवल टाउनों एंड ट्रूप्स को प्रायोरिटी रखी जाती है। टाउनों के हिसाब से ट्रूप मैक्स करते करते आगे जाना चाहिए एंड हीरोज को मैक्स कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आपको काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा कर देते हैं इंजीनियर बेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा इंजीनियर बेस, रश बेस सभी के बारे में समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा एंड यार चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लैश ऑन।